तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये हमारा अनलॉक टूल का अगला का टॉपिक है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहली बात क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से ठीक करते हैं। एक तो पहला ठीक करने का तरीका होता है ब्रांड के हिसाब से, दूसरा होता है चिपसेट के हिसाब से। चिपसेट का मतलब होता है सीपीयू, ब्रांड का मतलब रहता है जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, इन्फिनिक्स, ये जो तरीका होता है ये ब्रांड का तरीका होता है कि मतलब पर्टिकुलर आप मॉडल पे जा रहे हैं और मॉडल पे जाने के बाद आप काम कर रहे हैं, एक तो पहला। दूसरी बात क्या होता है, आप सीपीयू पे जा रहे हैं। वैसे मार्केट में देखा जाए तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं हमारे पास, जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम आता है या स्मार्टफोन रिपेयरिंग का काम आता है या एंड्रॉयड फ़ोन रिपेयरिंग का काम आता है, तो वो हमारा टोटली चिपसेट बेस्ड होता है। चिपसेट का मतलब होता है जो उसके अंदर मेन आईसी लगी होती है, सीपीयू लगा होता है। एक्चुअल में वही मोबाइल फ़ोन का जनक होता है, उसी ने मोबाइल फ़ोन को बनाया है, तो जो भी सॉफ्टवेयर रिपेयर करने का तरीका होगा तो वो सीपीयू के हिसाब से ही होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो मैंने आपको अब तक मैंने आपको ब्रांड का तरीका आपको सिखाया था, आज मैं आपको सीपीयू के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देखेंगे तो ये जो तरीका दिया हुआ है ये ब्रांड के हिसाब से का मतलब होता है, जैसे एमआई है, सैमसंग है, हवाई है, ओप्पो है, वीवो है, टेक्नो है, आसूस है, नोकिया है, लेनेवो है। आज हम जो बताने वाले हैं वो हम लोग क्वालिकॉम के बारे में, मीडियाटेक के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं क्वालिकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, इसके बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। कि चिपसेट का मतलब यदि क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है, मीडियाटेक सीपीयू लगा होता है, एसवीडी सीपीयू लगा होता है, तो उसको आप दोस्तों कैसे रिपेयर करेंगे। तो आज अनलॉक टूल के माध्यम से हम लोग चिपसेट का जो तरीका है वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। जो भी हमारे पास स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं पूरा कंप्लीट सीख करके ही जाते हैं। और हम लोग जो वीडियो बना करके देते हैं ये उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग अपनी शॉप चला रहे हैं, उनको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम इतना कठिन लगता है कि वो मोबाइल फ़ोन ले जा करके मार्केट में जाकर कहीं और से मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से उतना हेल्प मिलता है कि वो शायद मुझे लगता है काफ़ी चीज़ों के बारे में ऐसे ही सीख पाएंगे और काम कर पाएंगे। अगर उनको लगता है कि हमको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, पूरा कंप्लीट सीखने की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में पड़ता है, कानपुर के अंदर एक सागर मार्केट पड़ती है जो मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के जितने सारे काम हैं या सामान है, उसका रॉ मटेरियल है, उसका पार्ट्स है, उसका एसेसरीज है, वो सारा सब कुछ मिल जाता है। ये कानपुर सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, कानपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, 200 मीटर 300 मीटर के पास में आराम से आप आ सकते हैं, सीख करके जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग आज सीपीयू के बारे में पूरा समझने वाले कि सीपीयू के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जा रहा है। सबसे पहली बात, जैसे सीपीयू में क्वालिकॉम है, मीडियाटेक है और स्पेक्ट्रम है। आपके पास यदि कोई मोबाइल फ़ोन आता है, मान लिया रेडमी कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है या वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है, क्वालिकॉम कंपनी का मोबाइल फ़ोन होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वालिकॉम में चले जाएंगे। पहले तो ब्रांड के हिसाब से करेंगे, अगर ब्रांड के हिसाब से नहीं होता तो आप क्वालिकॉम में चले जाएंगे। जब क्वालिकॉम में चले जाएंगे तो क्वालिकॉम में जाने के बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इतने सारे जो फंक्शन होते हैं, ये सारे फंक्शन आपके कैसे होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन को सबसे पहली बार एडीएल पॉइंट या प्लस माइनस के माध्यम से कनेक्ट कराएंगे, आपका मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। जब आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन हाईलाइट हो जाएंगे। अगर उस मोबाइल फ़ोन में कोई लॉक लगा है, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, ऐसा कोई भी लॉक लगा हुआ है, तो आप उसको मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेफ मोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे सेफ मोड फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे, तो सेफ मोड फॉर्मेट पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, और यहाँ पर लिख करके आ जाएगा सेफ मोड फॉर्मेट, और आपके स्क्रीन पे समरी पे चालू हो जाएगा। यहाँ पर पूरा फॉर्मेटिंग का डिटेल आ जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो चुका हुआ है। उसके बाद यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है उसमें एफआरपी लग जाता है, तो आप यहाँ पर इरेज एफआरपी भी क्लिक करते हैं, तो एफआरपी भी क्लिक करने से आपके मोबाइल फ़ोन में एफआरपी हट जाती है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है उसमें से यदि फाइनेंस लॉक लग जाता है,
तो फाइनेंस लॉक का अगर तोड़ने के लिए देखेंगे यहाँ पर चेंज केजी लॉक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करने से आप उसको तोड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उसमें से MI अकाउंट लगा होता है, MI क्लाउड लॉक लगा होता है, तो यहाँ पर लिखा होगा रीसेट MI क्लाउड। तो जैसे आप रीसेट MI क्लाउड पर करते हैं तो आपके मोबाइल फोन का MI अकाउंट टूट जाता है। तो हमारे मोबाइल फोन में मोस्टली पैटर्न लॉक, पिन लॉक, FRP लॉक, MI क्लाउड, यही लॉक मोस्टली लग करके आते हैं, तो हम लोग इसके माध्यम से तोड़ लेते हैं। अच्छा, ये किसका तोड़ लेते हैं? क्वालिकॉम CPU का। जितने भी सारे लॉक आप लोग जो तोड़ने वाले हैं, ये क्वालिकॉम CPU का लॉक आप यहाँ से तोड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, MediaTek CPU का मोबाइल फोन आता है, तो आप MediaTek का में जाएंगे। MediaTek का, चाहे वो Vivo का मोबाइल फोन हो, चाहे किसी कंपनी का हो, अगर देखिए बाकी अदर कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन आता है तो यहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मली आप ऐसे लेकर के आप उसको तोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मेट ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्मेट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट डाटा लिखा हुआ है। ऐसे जैसे फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिकवरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्विक फॉर्मेट ले लेंगे, उसके बाद इरेज FRP पे ऑटोमेटिक टिक रहेगा, सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो फॉर्मेटिंग के लिए बोलेगा, आप प्लस माइनस दबा करके मोबाइल फोन को कनेक्ट करा देंगे। जैसे प्लस माइनस दबा के मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ पर समरी चलेगा, यहाँ पर समरी चलने पर मोबाइल फोन आपको फॉर्मेट हो जाएगा। आपका पूरा मोबाइल फोन फॉर्मेट रहते ही पूरा फोन खाली हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का लॉक टूट चुका होगा। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, वो वीवो कंपनी का मोबाइल फोन आता है, तो वीवो कंपनी के मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के लिए आपको जैसे फॉर्मेट पर क्लिक है उसी तरीके से यहाँ पर प्री लोडर भी लेना पड़ेगा। अब प्री लोडर किसका लेना है? वीवो, ओप्पो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, आईटेल, रियलमी। तो हमको किसका लेना है? वीवो लेना है। वीवो लेने के बाद सेलेक्ट कर लिया, प्री लोडर ऑप्शन आ गया। प्री लोडर ऑप्शन में जाने के बाद आप उसको यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे। अगर आप उसमें FRP हटाना चाहते हो तो यहाँ से इरेज FRP कर देंगे। यदि MI का फोन आता है उसमें से MI अकाउंट तोड़ना चाहते हो तो स्पेशल में चले जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर लिखा रीसेट MI क्लाउड। क्या लिखा हुआ है? रीसेट MI क्लाउड। जैसे आप रीसेट MI क्लाउड पे करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का MI क्लाउड क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो डिसेबल MI क्लाउड कर दीजिए तो आपका MI क्लाउड डिसेबल हो जाएगा। यदि MediaTek का CPU लगा होता है, अगर सैमसंग का मोबाइल फोन उसमें फाइनेंस लॉक लगा है, तो यहाँ पर सैमसंग फाइनेंस लॉक में जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप कंप्लीट करेंगे तो आप मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे तो सैमसंग के मोबाइल फोन के KG लॉक का मतलब होता है फाइनेंस लॉक हमारा इसे छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन का आप उसको इसके माध्यम से रिपेयर कर सकते हैं। वो किसको रिपेयर कर सकते हैं? सर, MediaTek CPU को रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास SPD CPU आता है तो आप स्पेक्ट्रम पे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे दोस्तों? स्पेक्ट्रम पे जाएंगे। जब स्पेक्ट्रम पे जाएंगे तो स्पेक्ट्रम पे जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे SPD CPU को फॉर्मेट करने का तरीका दिया हुआ है। जितने भी आपके मोबाइल फोन आते हैं, जो आईटेल के मोबाइल फोन आते हैं, लावा के मोबाइल फोन आते हैं, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU लगा होता है, उस CPU को आप यहाँ के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ब्रांड लेना है और यहाँ पर फॉर्मेट डाटा, इरेज FRP, आप कोई भी लॉक है आप उस लॉक को इसके माध्यम से आप तोड़ सकते हैं। जैसे कैसे करना है मैं आपको एक बार तरीका फिर से समझाता हूँ। आप SPD CPU को सिलेक्ट करेंगे। SPD CPU सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन आया, मान ली इन्फिनिक्स, आईटेल, जो भी मोबाइल फ़ोन आया है, टेक्नो, सैमसंग, जिसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है, आप यहाँ से ले लीजिए। सैमसंग के अंदर भी SPD CPU आता है। उसके बाद कौन सा मॉडल आया है, जो मॉडल आता है 803 कोर, आप यहाँ से मॉडल ले लीजिए। मॉडल लेने में जैसे आपने देखिए मॉडल लिया, यहाँ पर सारे फंक्शन हाईलाइट हो गए, सारे फंक्शन हाईलाइट हो गए। अब आप फॉर्मेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। जैसे फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करेंगे बस आपको प्लस माइनस दबा करके मोबाइल फोन कनेक्ट करा देना है, बस आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। यदि आपके मोबाइल फोन में FRP लॉक लग जाती है तो FRP लॉक लगाने के लिए हमको इरेज FRP भी क्लिक करना पड़ेगा, चालू हो जाएगा। अच्छा, सैमसंग का जो SPD CPU आते हैं उसके अंदर हमारा टेस्ट पॉइंट होता है, उस टेस्ट पॉइंट को हमको चिमटे से शॉर्ट करके तब डाटा केबल लगाना होता है, तब कनेक्ट होगा। अगर आप देखेंगे सिलेक्ट परफॉर्म ये बाईपास कनेक्ट टेस्ट पॉइंट होल्ड बटन, टेस्ट पॉइंट और होल्ड वॉल्यूम डाउन बटन, या तो वॉल्यूम डाउन बटन से कनेक्ट होगा या तो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होगा। ये देखिए ये बात यहाँ पर लिख करके आती है, उस चीज़ से आपको समझ सकते हैं, इंटरक्शन है, इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल फोन आता है, मान लिया SPD CPU का ही होता है, SPD CPU के बाद आपके पास मान लिया आईटेल कंपनी का मोबाइल फोन आ जाता है, आईटेल कंपनी के बाद फिर आप यहाँ से मॉडल लेना पड़ेगा। आईटेल के अंदर इतने सारे मॉडल आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लेटेस्ट मॉडल आए हुए हैं, आप जो भी रनिंग मॉडल है आप ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ से लेने के बाद आप उसको फॉर्मेट डाटा कर देंगे, इरेज कर देंगे।
जैसे फॉर्मेट डाटा कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, और फॉर्मेट होते ही लॉक खुल जाएगा। अच्छा, एसपीडी सीपीयू का इसमें सिर्फ ओनली आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन ही रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ ओनली एंड्रॉयड मोबाइल फोन जिसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा है उसको आप इसके माध्यम से रिपेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ हमको मोबाइल फोन में क्या करना होता है, फॉर्मेट करना होता है और एफआरपी हटाना होता है। तो अब यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, एफआरपी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से और भी जो बहुत सारे मॉडल आते हैं, आप कोई भी मॉडल को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटेल है, क्विक मोबाइल फोन है, रियलमी, रियलमी के अंदर अगर आप देखेंगे नाजो 50i, नाजो 50i, नाजो 50i 53, मिनी पैड, C30, C30, C25, C21, बहुत सारा रियलमी का मॉडल है जिसके एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है। कहीं से नहीं होगा, इसी से हो जाएगा आराम आराम से। फॉर्मेट डाटा इरेज FRP, आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को आप इसके माध्यम से आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, लॉक को ब्रेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है। दूसरी बात क्या दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, इन सारी वीडियो को मैंने अनलॉक टूल के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जितने भी सारे फंक्शन हैं, सारे फंक्शन के बारे में, चाहे सैमसंग का हो, चाहे MI का हो, हवाई का है, ओप्पो का है, वीवो का है, जितने भी सारे फंक्शन आते हैं, मैंने सारे फंक्शन के बारे में एक एक करके आपको डिटेल से वीडियो दिया हुआ है। इसमें तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने वीडियो के माध्यम से ही देख करके काफ़ी काम किया हुआ है, और उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन में अनलॉक टूल को परचेज भी किया है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन परचेज किया है, कुछ लोगों ने हमसे फ़ोन करके परचेज किया है, और वो आज मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं। इन वीडियो के माध्यम से उनको इतना हेल्प मिल रहा है कि जो भी फ़ोन आते हैं वो अपनी शॉप पे बैठ करके ही आसानी से लॉक तोड़ सकते हैं, फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं और FRP को हटा सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए हेल्पफुल है ताकि आप इनको सीख करके अच्छी तरीके से काम करो। और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। टोटल 45 दिन का कोर्स होता है। ये उन बच्चों के लिए रहता है जो पूरा फुल डे ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनका 45 डेज के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जो लोग 2 घंटे 3 घंटे का समय निकालते हैं तो उनको सीखने में समथिंग 90 दिन का समय लगता है। और ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सीख करके जाते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप नीचे हमारा दिया हुआ नंबर 6391711711, 6391211211, इसमें से किसी नंबर पर आप फ़ोन करके आप मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से आप सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा समझ में आया, अच्छा सीखे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से और भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, वो इसके डिस्क्रिप्शन के डिटेल में पड़ा हुआ है। आप चाहो तो उन वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो देखने के बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करना या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीखना कितना आसान है, ये सारा तरीका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में जुड़े रहें, मैसेज करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।